नर और नील दो बानर है जिसको आशीर्वाद है कि उनके परस तरे गिरी भारी। वो बानर जिस पत्थर को स्पर्श कर लेते वो पानी में डूबते नहीं तैरते। आप उसका उपयोग करें वायुधी बताओ। आप समुद्र में रास्ता बनाइए, पुल बनाइए। भगवान राम और सबने सुना, सब राजी और अंतिम जो है कि आते हैं सुंदरकांड को संपन्न करने का सोचा था, मगर गान तो हो गया, हमने पूरा गा लिया ऑनेस्टली, मगर एक चौपाई पे पूरा दिन निकल सकता है। एक सुंदरकांड था सुना तो दिने तो बचन अति खबरपाल मुस्कान उतरे कपि कटको तात सुख कि मंगल भावन अमंगल भारी। मंगल अंतिम दुआ है, कब से आपको गाना नहीं है, दिस इज लास्ट एंड फाइनल दोहा। अच्छा तो दोहा अरे माता उत्तर वाली थी, दिस इज दोहा। तो मंगल भावन अमंगल हारी नाथ नील नल कपि दो लड़िकाई ऋषि आशीष पाई जिनके परस किए गिरी भारे तरिहै जलधि प्रताप तुम्हारे मैं पुनि पुर धरि प्रभु प्रभु ताई करिहौ बल हनुमान सहाई विधि नाथ पयोधि बधाई जेहि यसु जसु लोक तिहु गाई एहि शरम मऊ तर तट बासी हतहुनाथ खल नर अगरासी सुनि कृपाल सागर मन पीरा उरत ही हरि राम रन धीरा देखि सम बल पौरुष भारी हर्षि पयो निधि वयु सुखारी सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा चरण बंदे पायो दिसिता आवा श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल प्रभु दशरथ अजीर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी जपत निरंतर शंभु भवानी जपत निरंतर शंभु निज भवन गवने सिंधु त्री रघु पति अहम गायहु
यहाँ चरित कली मल हर जगावती बस तुलसी सायु सुख पवन संसय समन दवन विषादय कुपति निगनाम कहि सकल आस भरोस गावै नहि संकट कहि सकल आस भरोस गावै नहि संकट सकल मन। भक्ति आपकी टुकड़ी में नल दिल नाम का सुंदर है जिनके बस किए की बारी। आप ऐसा करिए कि आपने जो तीर चढ़ाया है उसको आप यही सर्वम उत्तर तटवासी हतव ना खल न अगर आसी उत्तर की ओर जो राक्षस है उनको चढ़ा उनका उन पर चलाकर उस राक्षस को आप मार दीजिए। सुन कृपाल सागर मन पीरा तुर हरि राम रन पीरा देख राम बोल पौ सुभारी हर्षि पयोनिधि पयो सुकारी समुद्र चला गया सभी चरित्र की बात की समुद्र ने वंदन किया निज भवन का प्रयोग वंदन करके गया। मगर यहाँ तुलसी कहते हैं यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी। इस सुंदरकांड के पाठ से क्या होता है तो कलिमल हरण होता है। तो कलिमल क्या है? कलियुग का मल ये है ये तेरा और ये मेरा ये मैं और तू। सुंदरकांड के पाठ मात्र से सुंदरकांड के श्रवण मात्र से हमारे कलिमल हमारे कलवश का विनाश होता है। गोपिया ने गाया था कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम ध्रुवी गृणन्ति ते भूरिदा कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम हमारे कल्मष को कथा मिटाती है ऐसा गोपियों ने कहा। और यहां तुलसी ने कहा कि सुंदरकांड के पाठ से यह चरित कलिमल कलिमल हर जथामति दास कलिमल का हरण करती है भवन में सुख देती है संशय का समन करती है विषाद का दमन करती है ऐसा यह रघुनाथ का गुणगान। तजी सकल आस भरोस गावे कई लोग क्या करते थोड़ा भी कुछ काम भगवान का करते तो आस लगा के बैठते मैंने इतना कर दिया मेरे यहां नहीं हुआ। यहां आइए महाराज जी मुझे यहाँ की मूर्ति में बहुत तेज दिखता है सागर भाई महाराज जी मैं बड़े निस्वार्थ भाव से यह तो किसी आडंबर के बगैर कहता हूं कि आप लोगों का जो विग्रह के प्रति अनुराग है आप एक वॉलेंटरी जैसे हो रही है ऐसे किसी प्राप्ति के भाव के बगैर ठाकुर जी की जो सेवा कर रहे हैं उसी का एक कारण है कि यहाँ की मूर्ति में इतना तेज। तो आप दोनों विप्र वंश के चरण में प्रणाम करता हूं आशीर्वाद दीजिए कि सकल मनोरथ हो ही हमारे हमारे मनोरथ प्रभु पूर्ण करें सभी भक्तों की मनोरथ और ब्राह्मणों का स्वभाव है आशीर्वाद देना। कई लोग बोलते हैं ब्राह्मण का काम है मांगना नहीं मांगना नहीं है वो भिखारी का काम है। ब्राह्मण का कार्य है दान लेना और देना दान मांगना वो भिखारी है
आपको यदि दान देना है तो सुपौत्र कहां पर है? साहब आपके घर पे ब्राह्मण आता है वो आपको अवसर देता है कि कुछ दान सुपौत्र को दान, फिर आप ऐसे व्यक्ति को दान दे दो, फिर वो साहब आपने दान नहीं किया वो तो गलत कर दिया। तो ऐसे सुपात्र ब्राह्मणों के चरणों में मेरा सस्त नहीं वंदन है। तो भगवान की प्रार्थना करो, दर्शन करो, अर्चन करो, अभिषेक करो, पाठ करो, कुछ भी करो, तो तभी सकल आस भरोस गावही, आशा को छोड़कर भरोसे के साथ प्रभु का भजन करना चाहिए, और आशा के बगैर और भरोसा होना चाहिए मगर आशा में, और कर्मण्येवा अधिकारस्ते, हमारा मूलभूत अधिकार ही कर्म करना है, फल की चिंता या तो फल की, हम इतना फल मांग ले, इतना करें और इतना मांग ले, हम मांगने वाले कौन? एक सुंदरकांड का पाठ करो आपको जन्म जन्मांतर की मुक्ति भी देनी हो, आप मांग ले मेरे को 50,000 करोड़ चाहिए, हम कंटेंट कैसे क्लियर कर सकते? कृपा की मापदंड हम नहीं बना सकते। तो आशा को छोड़कर, किसी भी फल की आशा को छोड़कर पूरे भरोसे के साथ गाना चाहिए। और सुंदरकांड का अंतिम दोहा कि उसको गाने से क्या होता है, 7वां दोहा, सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सागर सुनहिते तहि भव सिंधु बिना जल छान। इति श्रीमद् राम जतमानसे सकल कलिकरुष विद्वांसने पंचम सोपान समाप्त श्री सीताराम प्रियता नमः। सकल सुमंगल आय जो भगवान का भजन करते हैं उनको सदा सर्वदा मंगल नहीं सुमंगल की प्राप्ति होती है। मंगल भवन मंगल रघुनायक का गुणगान गाने से सुमंगल की प्राप्ति, और जो सादर सुनता है, सादर एक भाई सोता सोता चादर ओढ़ के सुंदरकांड सुनता, तो मेरे क्या ये तू सो क्यों गया, पीछे बैठता है और चादर सुन ओढ़ दे सुंदरकांड तो भाई तू ये ऐसे क्यों सुनता है, तो क्योंकि छेले लिखा है कि सादर ओढ़ के सुनने का है। चादर नहीं सादर घना एवा नमनावे कि ऋषि अगस्त की साफ भवन। एक माड़े ने मुझे कहा कि अगस्त ऋषि ने भवानी माँ को साफ किया था, देखो अगस्त ऋषि और भवानी अब फिगर क्या फिगर है, नहीं सुंदरकांड में है, सुंदरकांड में बोला तो मेरे कान खड़े हो, भवानी और अगस्त ऋषि कभी मिले नहीं, मगर एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पास, ये बात आती है कि कुंभज ने सक्या कुछ दुर्व्यवहार हो गया था, जब गए तब संग सती कहा और आए तब जनक कुमारी कहा, चले भवन संग दक्ष कुमारी, तो वहां कुछ गड़बड़ हुई थी क्या, नहीं सुंदरकांड में ही है, और करीबन 40 वर्ष से वो माता जी सुंदरकांड का पाठ करती थी। तो ध्रुव मन चौपा निकल के दी ऋषि अगस्त की सास भवानी राक्षस रहा होया मणिज्ञान, कभी हमने पढ़ा अरे मैं कि तू मारी माँ, ऋषि अगस्त की सास साप भवानी अटले वो राक्षस जो रावण ने लात मारी थी और यहाँ आया प्रभु के चरण में आया तो वो ऋषि बन गया, क्योंकि वो पूर्व का ऋषि था। तो हे भवानी शंकर कथा करते कि हे भवानी जब अगस्त ऋषि ने उस ऋषि को श्राप दिया था और राक्षस बना था, वो आज महाज्ञानी होके अपने आश्रम की ओर चला गया, तो उन्होंने एक अंतरा पकड़ दिया कि ऋषि अगस्त की साप भवानी।
मगर हमने काफी प्रयास किया प्रत्येक चौपाई के ऊपर थोड़ा थोड़ा मेमती प्रकाश डालने का। तो हरि अनंत हरि कथा अनंत, विशेषतः आप सबको सोमनाथ महोत्सव के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र लेखन के लिए महाराज जी भगवान सोमनाथ की कृपा से 51 लाख रुद्राक्ष महादेव बनेंगे, 1 लाख विप्रबंध महादेव की कृपा हुई तो समूह महिमन स्तोत्र पाठ करेंगे। अगर आज ऐसा हो जाए कि महिमन बहुत लंबा लगे तो लिंगाष्टक या तो नमामि शमशान भी कर दे, काफी समय बाकी है। 1 करोड़ बिलिपत्र से अभिषेक महादेव का हो, अति रुद्र यज्ञ हो, 135 करोड़ ओम नमः शिवाय मंत्र लिखा, 135 करोड़ मंत्र का ये संख्या हमने